जब सब कुछ खत्म हो जाएगा तब भी प्यार ही रहेगा। ये लाइन भारत के अनुभव भसीन और यूक्रेन की एना होरोदेत्स्का पर एकदम फिट बैठती है। यूक्रेन में जंग के हालातों के बीच एना वहां से भाग निकली और काफी जद्दोजहद के बाद भारत पहुंची। भारत में लैंड होते ही एना को एक फिल्मी वेलकम मिला। जब दिल्ली एयरपोर्ट पर अनुभव ने घुटनों पर बैठकर एना को शादी के लिए प्रपोज कर दिया। अब एना अनुभव से शादी रचाने की तैयारी में है। पेशे से एना एक मेकअप आर्टिस्ट है, वहीं अनुभव एक लॉयर है। चलिए इस लॉयर और मेकअप आर्टिस्ट के अजब प्रेम की गजब कहानी खुद उनसे ही सुनते हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पर एना और अनुभव का ये फिल्मी प्रपोजल कैसे हुआ? क्या एना ने सोचा था कि अनुभव जंग के हालातों से निकली हुई एना को ऐसे प्यार का इजहार करेंगे? I mean, I was shocked because this is something that he wouldn't do. Like, I wouldn't expect him to do something like that. He's a lawyer. He's like super practical about stuff. वैसे ऐसा फिल्मी प्रपोजल हर कोई अपने लिए सोचता होगा ना? नहीं तो इमेजिन जरूर किया होगा। वैसे एना ने जैसा बताया कि उन्होंने तो अंदाजा भी नहीं लगाया था कि अनुभव हीरो वाले अंदाज में उन्हें प्रपोज करेंगे। वैसे अनुभव और एना करीब 2 साल से डेट कर रहे थे। दोनों की पहली मुलाकात 2020 में हुई थी जब एना भारत दौरे पर आई थी। तभी दोनों के बीच बातें शुरू हुई, बातों से मुलाकातें और बस फिर क्या था, प्यार बढ़ता गया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एना अपनी माँ के साथ सेंट्रल यूक्रेन में रहती थी। उनकी माँ ने एक मेक्सिकन शख्स से शादी की है, इसीलिए वो वहाँ चली गई। एना एक आईटी कंपनी के साथ काम कर रही थी। कोरोना काल में लॉकडाउन लगने की वजह से एना काफी समय भारत में रही थी। तभी वो और अनुभव करीब आए। इसके बाद एना कई बार भारत आई और अनुभव से मिलती जुलती रही। फिलहाल एना और अनुभव की 27 अप्रैल को शादी करने की प्लानिंग है और अब वो यहीं भारत में ही फॉरएवर सेटल रहना चाहती हैं। I can consider myself that I moved to India like forever. I hope so. अनुभव ने बताया कि जब वो दोनों पहले शादी करने की तैयारी कर रहे थे, मन बना रहे थे, तभी रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू हो गया। एना अपनी माँ और पालतू कुत्ते के साथ 3 दिनों तक बंकरों के अंदर रही। इसके बाद उसने भारत आने का फैसला किया। एना 2 सप्ताह के लिए पोलैंड में थी जहाँ उसे भारत का वीजा मिला और फिर वो यहाँ आई। वो कहते हैं ना, ये इश्क नहीं आसान। तो जहाँ इश्क है वहाँ कहानी में कोई ना कोई ट्विस्ट तो आना ही है। चलिए एना और अनुभव से ही सुनते हैं ये जंग की दास्तान। We were both dating for almost 2 years now and we were planning to get married in March this year. Then of course the war happened as everybody knows in Ukraine 24th of February. So she woke up to sounds of bombs. She woke up in the morning at 5 o'clock. Probably she heard a lot of some bombardment around her house from far away. Not, she was not in danger at that point, but she heard bombs and then she called me that, you know, something's happening. I was already awake, so I had the news. So I told her that, you know, the war has started. So after that, next few days, of course, was a big ordeal because she didn't know what to do. She was in and out of bunkers. There's a bunker near her house. She was with her mom and her dog there. So they were there in the bunkers. We were trying to understand what to do because war is not something that which we imagine in our lives. We've never seen a war in our life. We've seen wars in Kargil at the border, but not in the city. Nobody imagines that. After that, she decided to come to India. For that, the only way to come here was through Poland. So she took a train from Kyiv on the third day. She was there for 3 days. First 3 days, she was in the bunkers with her mom. Finally, she decided to take a train to Kyiv, to Lviv, which is on the west of Ukraine, which was fairly safer than most of Ukraine. Polish border, it's near the Polish border. So, of course, there was no train tickets, there's no taxis, nothing. So, she just managed to, you know, on the app, she put that I'm willing to pay extra. So, some driver accepted her offer and he took her to the train station with the mom. Then, both of them waited for a train. Her mom stays in Mexico. She's married in Mexico. So she didn't want to leave towards Poland yet. She wanted to come to Poland for India because she already had a plan. So her mom went to a village where her grandmother stays with the dog. And she left for Poland. Poland border pe, there was a big waiting line. A lot of Indians were also there. It was widely reported. So
वी रेड दैट इट्स टेकिंग अप टू 48 आवर्स टू क्रॉस द बॉर्डर. पीपल आर स्टैंडिंग इन -3, -4 degrees. दे वर गेटिंग फीवर, दे वर गेटिंग सिक. So she didn't want to, of course, be another one in that line. So then finally she and a couple of her colleagues, they read some news that probably Slovakia is a better way to go. So then they managed to find a bus to Slovakia, which was a longer route. It was about 6-7 hours away from where she was. So they went there. From there, they crossed the border on foot. Phir wahan se, then they took a mini bus to Poland. Then she was in Poland for 2 weeks, where she got her visa to India. Have a courage. It's you get totally exhausted from whatever is going on. You had like you're scared, and then you decide like whatever it is, I'm just going for it. यूक्रेन में जहां एना फंसी हुई थी, वहीं भारत में अनुभव की सांसें तब तक अटकी रही जब तक वो दिल्ली नहीं पहुंच गई. और दिल्ली पहुंचते ही उन्हें मिला एक खूबसूरत सा प्रपोजल. और अब देखिए दोनों की शादी करने की तैयारी है. तो ये थी कहानी यूक्रेनी एना उनके दिल्ली वाले बॉयफ्रेंड अनुभव की. हैप्पी एंडिंग्स.